आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही राज्य में चुनावी माहौल गर्मा गया है। सभी दलों की ओर से बहुमत का दावा किया जा रहा है, वहीं सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बात करें लखनऊ की सरोजी नगर विधानसभा सीट की, तो पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इसी कड़ी में तमाम चुनावी मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता ने सरोजी नगर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रुद्र दमन सिंह से खास बातचीत की है। जिस तरीके से मेरा एक अंतिम सवाल है, जिस तरीके से सरोजनी नगर विधानसभा सीट में सालों से सपा और बसपा का कब्जा रहा है, क्या लगता है सरोजनी नगर की जनता बदलाव चाहती है? सपा और बसपा का खात्मा सरोजनी नगर में इस प्रदेश से होने जा रहा है। आप जान समझ नहीं आप लोग पा रहे हैं, अब कांग्रेस का उदय होने जा रहा है। चूँकि लोग अब जात पात और इस धर्मवाद की राजनीति से ऊब चुके हैं। हर व्यक्ति आज महंगाई की मार और बेरोजगारी से त्रस्त है, जिसकी बात हमारी नेता प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी सदैव से करते आए हैं। आप देखिए, अभी रेल कोच फैक्ट्री बहुत जल्दी में लगी थी, बछड़ाओं में जितने लोगों की ज़मीनें गईं, हर परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने का काम कांग्रेस सरकार ने उस रेल कोच फैक्ट्री में किया। और इवन जिनके लड़के नहीं थे उनकी बेटियाँ शादीशुदा थीं, तो वहाँ से जैसे यहाँ लखनऊ में ब्याही थी, तो यहाँ से जाकर वो लोग वहाँ नौकरी कर रहे हैं। अगर बेटे ने तो बेटियों को नौकरी मिली। तो कांग्रेस के सदैव से विचारधारा रही है कि लोगों को रोजगार दो, अपना स्वतंत्र रूप से इस लोकतंत्र में जीवन जिए, ना कि हर चीज़ के लिए छोटी छोटी चीज़ों के लिए सरकार और प्रधानमंत्री का मुंह देखें। हम लोग इसी पर भरोसा करते हैं और कोई लुभावना सपना दिखा करें। आज हमारी स्थित शहर में भारतीय जनता पार्टी से मजबूत है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि सरोजनी नगर से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का दोनों का खात्मा होने जा रहा है। जिस तरीके से ये हमारे साथ बात कर रहे थे सरोजनी नगर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी रुद्र दमन सिंह जी, जिनका साफ तौर से ये कहना है कि पूरे प्रदेश से ही सपा और बसपा का खात्मा होने वाला है, और जिस तरीके से मौजूदा सरकार में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी और तमाम तरह के जो भ्रष्टाचार हुए हैं उन पर अब विराम लगने वाला है और कांग्रेस पार्टी फिर से सत्ता में आने वाली है। लखनऊ से अजहर खान, प्राइम टीवी। चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे नेताओं की बयानबाजी बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के फायर ब्रांड नेता माने जाने वाले सलमान खुर्शीद ने अलीगढ़ पहुंचने पर मौजूदा हालातों पर चिंता जाहिर की है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने हिंदू व मुस्लिम के भाईचारे में पलीता लगाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दशकों पहले से हिंदू मुस्लिम की दोस्ती में कोई दरार डालने का काम कर रहा है। मौजूदा हालातों में लगातार नफरत की राजनीति सामने आ रही है, एक दूसरे को लड़ाने का काम हर रोज किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस की सरकार में ऐसा नहीं हुआ करता था। है कि हम कमजोर हो गए हैं उनके सामने चाल चलने में, ये इसका इशारा राहुल गांधी जी ने किया है। और मैं तो ये समझता हूँ किसी को मोहब्बत हो इस देश से तो उसको खड़े होकर ये कहना चाहिए कि भाई ये बहुत पते की बात कह रहे हैं और इनकी बात पर तवज्जो दो, लेकिन सरकार का ये एटीट्यूड नहीं है। सरकार कैसे रिएक्ट करती है आप जानते हैं। क्या सचमुच में दोनों की दोस्ती हुई है अब? अरे दोस्ती देखिए, समाजवादी की और बसपा की भी तो दोस्ती थी पिछले चुनाव में, तो अब आप मुझसे कभी नहीं पूछा कि ये सचमुच की दोस्ती है कि ये सिर्फ एक दूसरे से फ़ायदा उठाने की दोस्ती है। राजनीति में ये कहा नहीं जा सकता, नो परमानेंट फ्रेंड्स नो परमानेंट एनिमीज़ ये कहते हैं कि डिप्लोमेसी में या इश्क में कोई परमानेंट दोस्ती या परमानेंट दुश्मनी नहीं होती, लेकिन देखना पड़ता है डिप्लोमेसी में, कूटनीति में ये देखना पड़ता है कि हम कहीं घिर ना जाएं, हम कहीं और लोगों से आइसोलेट ना हो जाएं, अलग ना हो जाएं। हमें कहीं ना कहीं रिश्ते इस तरह के बना के रखने पड़ते हैं कि जब गिनती हो तो गिनती में हमारे रिश्ते भारी पड़ें, औरों के रिश्ते कम पड़ें। तो राहुल जी ने ये कहा है कि ऐसा नहीं हुआ है, तो इस पर थोड़ा गौर करो। ये मत कहो कि पहले दोस्ती नहीं थी क्या, पहले उनका रिश्ता नहीं था क्या, ये बात हमेशा पहले की नहीं है, ये बात आज की है। तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफ़िले क्यों लुटे, हमें रहज़नों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। और वो जो हैं वो इधर उधर की बात करते रहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी वाले सरकार में हैं।
विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीति दल गणित बनाकर 2022 के सत्ता में सिंहासन तक पहुंचने के लिए बेकरार नजर आ रही है। इसके लिए लगातार पार्टियों की ओर से डोर टू डोर कैंपेन चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में अलीगढ़ में चिकित्सा प्रकोष्ठ के बैनर तले इलाकों के डॉक्टरों ने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया। डॉक्टरों ने बीजेपी की ओर से वोट के लिए खास अपील की है। इसके लिए भाजपा के शहर विधायक व कोल विधायक अनिल पराशर और संजीव राजा की तरफ से डॉक्टरों के साथ मीटिंग कर उनका समर्थन हासिल किया। मीटिंग के दौरान भाजपा के विधायकों का जोरदार स्वागत किया गया। देखिए, प्रबुद्ध वर्ग सदैव भाजपा जनता पार्टी के साथ रहा है और इतिहास गवाह है। प्रबुद्ध वर्ग ही समाज को दिशा देता है। डॉक्टर हो, वकील हो, व्यापारी हो, अध्यापक हो, गुरुजन हो, आचार्य हो, सभी एक प्रबुद्ध जन का हिस्सा होता है। और बहुत खुशी की बात है कि अलीगढ़ ही नहीं, पूरे प्रदेश में प्रबुद्ध वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसी के निमित्त यहाँ पर हम सब लोग चिकित्सकों के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा अपना आशीर्वाद देने के लिए बुलाया गया। उस आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए हम सब लोग यहाँ आए हुए हैं। ये इनसे पूछिए कि हम कब इनके साथ खड़े नहीं रहे। और संजीव राजा का तो जीवन ही संघर्षपूर्ण रहा है। जब जब जहाँ भी जैसी आवश्यकता हुई, डॉक्टर जयंत का मामला हो या डॉक्टर खैर रोड पर मैंग का मामला हो, संजीव राजा हर कदम इनके साथ है। किसी भी अनैतिकता के खिलाफ संजीव राजा सदैव मैदान में रहे हैं। हर संघर्ष का साथी संजीव राजा रहा है। जब जब भी ये पुकारेंगे, हम दौड़ कर आएंगे। महानगर चिकित्सा प्रकोष्ठ ने एक भाजपा के समर्थन में यहाँ छोटी सी बैठक आयोजित की है। यहाँ पर हमने डॉक्टरों ने सब लोगों से अपील कर रहे हैं अलग अपने अपने तरीके से कि भाजपा को वोट दें, कमल को मजबूत बनाएं। और योगी जी और मोदी जी ने जो सुशासन की सरकार दी है, हम उसमें अपना पूरा कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान दें। और कम से कम डॉक्टर हमारे इतने के स्ट्रॉन्ग लोग हैं कि हमारी बात गांव तक जाती है। हमारी इस आवाज़ के जरिए हम हर व्यक्ति को जागरूक करें कि भाजपा को वोट देना है, घर से निकलना है, भाजपा को वोट देना है, योगी मोदी को लाना है। हर रोज सियासी समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी हर रोज अपने कुनबे को बढ़ाने में जुटी हुई है। अलीगढ़ में आज भी समाजवादी पार्टी की ओर से बसपा कोऑर्डिनेटर के पद पर रह चुके राजेंद्र सिंह को पार्टी में सदस्यता दिलाई गई, जिसके बाद सियासी गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जाता है कि राजेंद्र सिंह बसपा में अच्छे बड़े पदों पर विराजमान रह चुके थे। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष गिरीश यादव की मौजूदगी में राजेंद्र सिंह सहित 12 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने पार्टी की सदस्यता दिलाई गई है। देखिए, आज उत्तर प्रदेश के अंदर, जब शुरुआत में भी हम लोगों ने कहा था कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव भाजपा के खिलाफ हिंदुस्तान का हो रहा है, सभी समाज के लोग, ये लड़ाई न हिंदू मुसलमान की है, न ये अगड़ों के पिछड़ों की है। यही कारण है कि आज इस मंच से नितिन चौहान भाई कांग्रेस छोड़ के समाजवादी पार्टी के साथ आ रहे हैं और बहुत प्रमुख पद पर कांग्रेस में रहे। आज हमारे साथ जहां नितिन चौहान साहब आ रहे हैं, बड़े भाई हमारे राजेंद्र कोल जी आ रहे हैं, वहीं पे जो है वो हमारे छोटे भाई मनीष पचौरी जी भी जो है वो बसपा छोड़ के समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करना है। ये वो लोग हैं जिन्हें संविधान की रक्षा करनी है, ये वो लोग हैं जिन्हें मोहब्बतों की पैगाम पहुँचाना है, नफरतों का पैगाम ख़त्म करना है, रोज़गार की बात करनी है, बेरोज़गारी को ख़त्म करना है। देखिए, जहाँ तक बात रिश्तेदारी और भाई बंधुओं की होती है, हाथ में पांच उंगलियां होती है, पांचों बराबर नहीं होती। बात करेंगे हम राजेंद्र कुमार जी की। आप अलीगढ़ में रह रहे हैं, आप भी अलीगढ़ में इनको बहुत सालों से जानते हैं। इनकी छवि पर कोई भी व्यक्ति दाग नहीं लगा सकता। अब कोई किसका रिश्तेदार क्या होगा उसकी नहीं की बात की जा सकती। ऐसे तो भाजपा के बंगाल रुच बढ़ रहे, और भी लोग रहे, तो क्या भाजपा सब होगी? आप राजेंद्र जी की छवि पर कोई दामन पर दाग नहीं है। 122 मंडलों में मतदाताओं की ओर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनने के लिए बड़ा उत्साह देखा गया। अलीगढ़ में मतदाताओं की ओर से बड़ी बड़ी स्क्रीन पर देश के प्रधानमंत्री को सुनने के लिए जमावड़ा लगा। वह भाजपा कार्यकर्ताओं ने इसकी तैयारी एक दिन पहले से ही की गई थी। कार्यक्रम के दौरान अलीगढ़ की 7 विधानसभाओं में मतदाताओं की तरफ से पीएम के मन की बात को सुना गया। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा कि दंगाई चाकू की नोक पर खेल खेलने वाले योगी की सरकार को नहीं देखना चाहते हैं। बलिया में बेलथरा विधानसभा
विधानसभा में घोषित बीजेपी प्रत्याशी छट्टू राम ने नामांकन किया। नामांकन के दौरान मौके पर आए बीजेपी से सलेमपुर सांसद रविंद्र कुशवाहा ने ओवैसी पर हुए हमले पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ओवैसी पर हमले की में साजिश की बू आ रही है, जेट श्रेणी की सुरक्षा के लिए हमला कराया गया। आप भी सुनिए सांसद रविंद्र कुशवाहा का यह बयान। वह हमला हुआ, फायरिंग हुई, क्या ओवैसी यूपी में सुरक्षित हैं क्या या उनको हैदराबाद चले जाना चाहिए? देखिए ये हम जहाँ तक समझते हैं कि ये प्रायोजित है और ये जो हमला हुआ है ये हमला जानबूझ करके और इसमें साजिश की बू आती है। तो क्या मतलब सुरक्षित हैं या नहीं हैं, क्योंकि अब तो जेड श्रेणी की सुरक्षा की बात की जा रही है। बस उसी सुरक्षा के लिए करवाए हूँ। वहीं अयोध्या पर एक बार फिर से कांग्रेस का बड़ा बयान आया है। जिले के प्रभारी बनाए गए हनुमंत विश्वकर्मा पर स्थानीय नेता राजेश तिवारी बाबा ने बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेसी नेता राजेश तिवारी बाबा का आरोप है कि गोसाईगंज विधानसभा से टिकट दिलवाने के लिए जनपद के प्रभारी हनुमंत विश्वकर्मा ने उनसे 1,75,000 रुपए लिए और यही रकम उनके खाते में ट्रांसफर की गई है। अब उनकी जगह गोसाईगंज विधानसभा से शारदा जायसवाल को टिकट दे दिया गया। अब जब उनको पैसा वापस मांगा जा रहा है तो देने में आनाकानी कर रहे हैं। राजेश तिवारी बाबा का दावा है कि इस बातचीत की उनके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। राजेश तिवारी ने यह भी कहा है कि हनुमंत विश्वकर्मा जैसे लोग कांग्रेस को बदनाम कर रहे हैं। हमने इनसे जब बात किया तो इन्होंने कहा कि मुझे पैसा दीजिए, मैं आपका रिपोर्ट, आपका टिकट, मैं ही नहीं मैं सबसे लिया हूं और आप भी देंगे तो सही रिपोर्ट। हमने तो एक शब्द उनसे कहा कि मैं जो पैसा दूंगा सत्य के लिए दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमारे पास रिकॉर्ड भी है। तो उन्होंने कहा कि हमने पूछा कितना पैसा आपको चाहिए, तो कहीं हमको 2 लाख रुपये चाहिए। तो हमने कहा ठीक है भाई, हमको कहे ऊपर तक देना रहता तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अगर ऊपर तक देना है तो आप ले जाइए दीजिए, लेकिन रिपोर्ट जिसकी लगाओ कि जो कांग्रेस के सही दिशा निर्देश का हो, जो पालन करने हेतु हो। तो इन्होंने कहा कि आप क्षेत्र में बने रहो। हमने कहा ठीक है, आपको पैसा मैं देता हूं। तो 1,00,000 रुपया इन्होंने, जिसका मेरे पास रिकॉर्ड भी है, 1,75,000 रुपया की मांग हुई, तो हमने 1,00,000 इनको फर्स्ट में दिया, फिर इनको हमने 20,000 रुपये फिर दिया, फिर उसके बाद हमने 25,000 रुपये दिया, फिर उसके बाद पार्टी कार्यालय पर आए, ये कुछ पैसे की फिर मांग किए, तो हमने फिर इनको दिया। और मैं ये जानता था कि आदमी गलत है, लेकिन मुझे ये साबित करना था कि हनुमंत विश्वकर्मा जैसे अगर पूरे उत्तर प्रदेश में प्रभारी रहेंगे तो हमारी कांग्रेस पार्टी कभी जी। जिले में 3 मार्च को चुनाव होंगे, जिसके चलते नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। प्रक्रिया के दौरान जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर दिया है और साथ ही शिव मंदिर से लेकर एसपी कार्यालय तक रूट डाइवर्ट किया गया है। देवरिया में उप महानिरीक्षक व पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस की टीम ने फ्लैग मार्च निकाला है। कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए टीम अलर्ट पर है। इसी के साथ टीम ने मतदाताओं को जागरूक किया। वहीं फ्लैग मार्च के दौरान बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बल के जवान मौजूद रहे। इसी के साथ मार्च के जरिए जनता से अपील की गई कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन ना करें और नियमों का पालन करें। देवरिया में उप महानिरीक्षक व पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शातिर अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी कार्रवाई के तहत पुलिस के हाथ सफलता लगी है। पुलिस ने पशु तस्करों के खिलाफ कार्रवाई में सफलता हासिल की है। एक शातिर पशु तस्कर पुलिस की हिरासत में है। पकड़े गए तस्कर के पास से 2 गाड़ियों के साथ गोवंशों को भी बरामद किया गया है। रायबरेली में एसटीएफ और भदौरखर पुलिस ने गांजा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने तस्करी का पर्दाफाश करते हुए लगभग 14 क्विंटल गांजे को बरामद किया है। मुख्य तस्कर को गिरफ्तार करने के साथ पुलिस ने अनाज की बोरी में भरे गांजे को बरामद करते हुए कब्जे में लिया है। एसटीएफ लखनऊ और थाना भदौरखर जनपद रायबरेली की टीम ने कल 3 फरवरी को एक अच्छा गुड वर्क करते हुए भारी मात्रा में करीब करीब 14 क्विंटल गांजा पकड़ा और उसके साथ 3 अभियुक्त उसमें गिरफ्तार किए गए, जिसमें जो मुख्य अभियुक्त मयंक कुमार गुप्ता था और इसके साथ ही एक ट्रक और एक गाड़ी स्विफ्ट डिज़ायर भी पकड़ी गई।
ये थाना भदोगर के दरियापुर मोड़ पर इनको कल सवेरे गिरफ्तार किया गया और ये बहुत बड़े तस्कर मयंक गुप्ता है जो उड़ीसा से पूरा का पूरा गांजा ट्रक भर के लेके आते हैं और ये पशुओं का जो दाना होता है उसके बीच में छुपा के लाते हैं जिससे किसी को शक ना हो। तो एसटीएफ को इसमें कुछ सूचना थी जिससे उन्होंने एसटीएफ की सूचना पर भदोगर की पुलिस ने मिलकर। वही जनपद फरीदाबाद में दशहरा ग्राउंड में चारपाइयों और रेडियो पर गर्म कपड़ों की सेल लगाकर गुजर बसर करने वाले लोगों पर नगर निगम ने कार्रवाई की है। कार्रवाई करते हुए जेसीबी की मदद से तोड़फोड़ की गई है जिसके चलते इन लोगों का भारी नुकसान हुआ है। हताशा लोग हाथ जोड़कर मोहलत मांगते रहे लेकिन तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं रुकी। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम अधिकारियों ने उनकी गुहार को अनदेखा कर दिया है। कब से लगा रहे थे यहाँ पे? लगा तो वहाँ मेन रोड पर लगाते थे 4 साल से। यहाँ वो लोग बोल रहे थे बार बार कि दशहरा कराओ जाओ, दशहरा कराओ जाओ, बिहार आ गए थे, यहाँ भी परेशान। कोई जाम नहीं लगता है जी, जानकार ग्राहक आते हैं हम लोग के पास। ये सारा देखो जो आपके सामने तोड़ दिए एकदम, 10 चारपाई तो मेरा टूट गया। अभी कोई वार्निंग दी थी आपको पहले? सुबह आए थे, बोल रहे थे कि बंद कर दो, हम बंद कर दिए थे एकदम बिल्कुल, सारे आदमी बंद कर दिए थे। जेसीबी क्यों लाए? जेसीबी फिर पलाते लेके आकर तोड़ फोड़ कर क्या बोला जाए? कितना नुकसान होगा? नुकसान तो काफ़ी हो गया। ये यहाँ पे कपड़े बेचते हो आप? हाँ जी। तो क्या दिक्कत हुई, जेसीबी से कैसे खदेड़ दिया? ये सर देखिए ऐसे हम लोग ये सर्दियों का सीजन करते हैं 2-4 महीने के लिए, तो कुछ कोरोना से भी हम लोग परेशान हो गए और अभी बीच में लगने भी नहीं दिए, कोई अभियान निकला था, हम लोग फिर भी बंद रखे। अब बोलिए सीजन का माल निकल जाए थोड़े बहुत और मोहलत दिया जाए हम लोग को, तो मोहलत नहीं दिया जा रहा। फरवरी तक लगाते ये ख़त्म करके हम लोग इतना माल कहाँ लेकर रखेंगे? हम लोग पूंजी भी लगा रखे हैं, बहुत कर्जा भी ले रखे हैं। वहीं रामपुर की स्वार विधानसभा से अपना दल प्रत्याशी नवाब हैदर अली खान ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर हमला बोला है। हैदर अली खान ने प्रेस वार्ता कर नवाबों के दौर की विशेषताओं को गिनाया, कहा कि पिछले 40 सालों में जब से समाजवादी पार्टी रामपुर में उभरी है इन्होंने हम पर नवाब खानदान को लेकर जो बातें उछाली है, जो आरोप लगाए हैं, आज उसका पूरा चिट्ठा आप लोगों के सामने लाया हूं। आप लोग जाने होंगे रामपुर का पहला स्टेट था जो हिंदुस्तान में शामिल हुआ और आजादी की लड़ाई के लिए नवाब रामपुर ने उस वक्त पैसा भी दिया था, फंडिंग की थी। इसी के साथ साहित्य को लेकर नवाबों के दौर में साहित्य उपलब्धियां भी बताई। बिल्कुल, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या मामला है? मैं सबसे पहले सभी लोगों को मेरा आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आप सभी के माध्यम से मैं आज कुछ बातें बताना चाहता हूँ, इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। मैंने देखा है कि करीबन 40 साल से जितने टाइम से समाजवादी यहाँ पर उभरी है, उन्होंने जो जो बातें हम पे उछाली, हम पे आरोप लगाए हैं, रामपुर के नवाबों पे आरोप लगाए हैं, मैं उसका एक पूरा चिट्ठा आज आपके सामने लाया हूँ। आप लोग जानते होंगे कि रामपुर पहला प्रिंसली स्टेट था जो हिंदुस्तान में शामिल हुआ। तो ये रही उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरें। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।